हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब है कि हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगी, लाइक 2^4, 2^3, 2^7, 5^3 एटसेट्रा। तो जैसा कि हम सबको मालूम है, 2^4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, 4 times मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड 2^4। और इसमें जो 4 है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट एंड 2 इज कॉल्ड बेस। अब जरा हम ये वाली कैलकुलेशन देखते हैं, 2^4 और 2^3 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। पहले हमने 2^4 लिखा, 2 2 2 2, 4 times मल्टीप्लाई हुआ। फिर 2^3 लिखा हमने, दिस एंड दिस, और फिर सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2^1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आंसर आ गया हमारा 2^7। सिमिलरली अगर हमें 2^5 और 2^3 को डिवाइड करना है तो पहले 2^5 5 times लिखा, 2^3 3 times लिखा, तो 3 2 ऊपर वाले 3 2 से कट गए, बाकी बचा 2 × 2 यानी 2^2। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली 2^3 अगर हमें 4 फाइंड करना है तो ये बनेगा 2^3 × 2^3 × 2^3 × 2^3। 4 times लिखा इसको, ठीक है, और फिर इसको फिर से एक्सपेंड करके 3 3 times लिखेंगे हम, तो हमें मालूम है ये क्या बन जाएगा, 2^12। 3 times आएगा, 3 6 3 9 और 3 12, 2^12। बना के दिखा देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो अल्टीमेटली बन जाएगा ये 2^1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने 3 तरह की कैलकुलेशन सीखी, एक में एक्सपोनेंट में 2 numbers मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक में 2 numbers डिवाइड हो रहे थे, और एक में एक एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट आ रही थी। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन निकाला कि जब इस तरह से 2 numbers मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, 4+3 7, डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, ऊपर 5 power आई, नीचे 3 कट गया, तो 5 − 3 2^2 हो गया। और हमने देखा कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो एक किस्म से ये जो पावर है ये बन जाती है 3 × 4, तो 12 बन गई। यहाँ पर जो पावर है ये बन गई थी 5 − 3, और यहाँ पर जो पावर है वो बन गई थी 4+3, ये वाला 4+3 7, 5 − 3 2, 2^3 × 4, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई 12। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन निकाला वो आपके सामने है इधर, कि अगर a^m और a^n 2 numbers मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी लाइक दिस, 4+3 7। सेकंड हमने कंक्लूजन निकाला, a^m को a^n से डिवाइड करेंगे तो दोनों की पावर माइनस हो जाएगी लाइक दिस, 2^5 / 2^3, 5 − 3 2, ये रहा। और अगर पावर के ऊपर एक और पावर एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट आएगा, a^m / n, तो m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस, 2^3 / 4, तो बन जाएगा 2^3 × 4 = 12। तो ये 3 तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है।
आगे देखते हैं, ये हमें मालूम है जब किसी भी बेस की पावर जीरो लिखते हैं हम, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन, समथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, और जीरो की पावर जितनी मर्जी लगा दें दैट ऑलवेज रिमेन्स जीरो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज भी बड़ी सिंपल हैं, किसी की पावर जीरो निकालें तो वन आएगा और जीरो रेज टू पावर समथिंग निकालें तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज ऑल्सो वेरी सिंपल, ए इंटू बी रेज टू पावर एन है तो अलग अलग पावर एन लगा सकते हैं, इसी तरह से डिवाइड में होल रेज टू पावर एन है तो अलग अलग पावर एन भी लिख सकते हैं। ए इंटू बी रेज टू पावर एन, ए की पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन, ए अपॉन बी रेज टू पावर एन मीन्स ए रेज टू पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दो फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल ही बेसिक हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर बचपन से सीखा होगा कई बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी एंड द लास्ट वन फॉर्मूला नंबर 10 दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, वो है कि अगर तीन नंबरों का सम जीरो आ रहा हो तो तीनों का अलग अलग क्यूब को ऐड करें, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो देखो इसमें से पहली तीन प्रॉपर्टीज़ को तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया, इन दोनों में कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, इनमें भी कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। और ये तो होल स्क्वायर होल क्यूब के फॉर्मूले हैं जो हम स्कूल में भी छोटी क्लासेस में भी सीखते हैं, तो मैं आपको सिर्फ 10th प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो सब। प्रॉपर्टी नंबर 10, एक्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और हमें ये शो करना है, तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, सी को उधर ले गए। इसके बाद हमने लिखा क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दिया हमने, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी लाइक दिस फॉर्मूला, एंड इसका क्यूब करेंगे दैट विल बिकम माइनस सी क्यूब, माइनस सी क्यूब को भी इधर ले आते हैं हम तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस सी लाइक दिस, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी था तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह माइनस सी, और माइनस सी क्यूब इधर आके प्लस सी क्यूब हो गया तो इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। तो ये 10th प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करके दिखाई है, नोट कर लो इसे और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी नोट कर लो। अल्टीमेटली वेरी सिंपल चैप्टर, नोट कर लिया तो इसे हम मिटा रहे हैं।
अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज से क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया है ए रेज टू पावर 1/3, बी रेज टू पावर 1/3, सी रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू ज़ीरो इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। दैट इज द क्वेश्चन। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सिंस ए रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3 प्लस सी रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू ज़ीरो, लाइक दिस फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, देन सम ऑफ देयर क्यूब्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ए रेज टू पावर 1/3 क्यूब, बी रेज टू पावर 1/3 क्यूब, सी रेज टू पावर 1/3 क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, लाइक ए बी सी तीनों को क्यूब का सम विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए रेज टू पावर 1/3, बी रेज टू पावर 1/3, सी रेज टू पावर 1/3। ए की पावर 1/3 की पावर 3, तो थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 1/3 इंटू 3 कट के 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ ए बन जाएगा। सिमिलरली बी और सी इक्वल टू 3 टाइम्स ए रेज टू पावर 1/3, बी रेज टू पावर 1/3, सी रेज टू पावर 1/3, तीनों की पावर 1/3 आ रही है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। अलग अलग पावर आ रही है तो इकट्ठी पावर लगा दी, किसी हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ए बी सी की पावर 1/3। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन हमें फाइंड करना था ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, जस्ट क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, 3 का क्यूब आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी की पावर 1/3 और उसका भी क्यूब आ जाएगा, तो पावर के ऊपर पावर आने से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो होल क्यूब लिखने के लिए मैंने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। दैट विल बिकम 27 ए बी सी, ये 3 कट जाएगा, रेज टू पावर 1 आएगा, अल्टीमेटली इट विल बिकम 27 ए बी सी। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू 27 ए बी सी। नोट करो इसे, फिर मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 5 रेज टू पावर -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x³ - 15x इक्वल टू क्या होगा। तो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सिंस x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1/3, 5 रेज टू पावर -1/3, और हमने क्या किया, इसको क्यूबिंग बोथ साइड, x³ और 5 रेज टू पावर 1/3,
फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाई थ्री का भी होल क्यूब। तो होल क्यूब का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी ए प्लस बी। तो इसके होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये बन जाएगा फाइव रेज टू पावर वन बाय थ्री का क्यूब, फाइव रेज टू पावर वन बाय माइनस वन बाय थ्री का क्यूब, थ्री इंटू फाइव रेज टू पावर वन बाय थ्री, फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाय थ्री, थ्री ए बी और ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस, फाइव रेज टू पावर वन बाय थ्री, फाइव रेज टू पावर माइनस वन बाय थ्री। ये बन गया द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि हमें फाइव एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स निकालना है, तो हमने एक्स का क्यूब कर दिया। अच्छा जी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू फाइव की पावर वन बाय थ्री की पावर थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा ओनली फाइव, फाइव की पावर माइनस वन, माइनस वन बाय थ्री और थ्री कट जाएगा आपस में, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये थ्री इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा फाइव रेज टू पावर ज़ीरो और दिस प्लस दिस और दोनों के सम की वैल्यू है एक्स, तो ये बन जाएगा ओनली एक्स। ध्यान से देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्स क्यूब इक्वल टू फाइव प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस वन प्लस थ्री फाइव रेज टू पावर डायरेक्ट ज़ीरो वन बाय थ्री माइनस वन बाई थ्री और दिस विल बिकम एक्स येरा। तो अल्टीमेटली बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू फाइव प्लस वन बाय फाइव प्लस थ्री इंटू वन इंटू एक्स, दैट विल बिकम ओनली थ्री एक्स। इसको इधर आके माइनस कर दिया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे फाइव फाइव तो ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव, फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, फाइव एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स ये रहा इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स, दैट इज द आंसर। नोट करो इसे, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सीखेंगे एक और। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है एक्स रेज टू पावर एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स रेज टू पावर एक्स, ये हमें गिवन है इफ दिस इक्वल टू दिस, दोनों हमें इक्वल दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर एक्स एंड एक्स अंडर रूट। देखो अंडर रूट का मतलब होता है इसकी हाफ पावर है, अंडर रूट मीन्स वन बाय टू पावर, और यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर वन बाय टू रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई है एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेज टू पावर, ये वन पावर है वन एंड हाफ, दोनों ऐड हो जाएंगी, एक्स की पावर बन जाएगी वन प्लस वन बाय टू, और यहाँ पर एक्स की पावर वन प्लस वन बाय टू रेज टू पावर एक्स। देखो यहाँ पर भी एक्स रूट एक्स था, यहाँ भी एक्स रूट एक्स था, यहाँ पर पावर में पावर ऐड हुई, यहाँ पर बेस में ही पावर ऐड हो गई, अल्टीमेटली बन जाएगा ये एक्स रेज टू पावर
एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय 2 बन जाएगा 3 बाय 2, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 और रेज टू पावर एक्स, एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 एक्स। अब देखो दो नंबर, दो टर्म्स हमें इक्वल दी हुई हैं, दोनों का बेस बेस सेम है, तो मतलब पावर पावर भी सेम होगी। देयरफॉर एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 2 एक्स, एक्स इधर डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 बाय 2, तो एक्स पावर 1 हो जाएगी, ये दोनों को माइनस करेंगे ये बनेगा एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू ओनली 3 बाय 2, एक्स पावर 1 बाय 2, 1 बाय 2 पावर का मतलब है रूट, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 बाय 2, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो अंडर रूट एक्स का स्केयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू इसका स्केयर करेंगे 9 बाय 4, दैट इज द आंसर। नोट कर लो सारा। बता दें इसको एक बार एक नए ढंग से और सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन एक बार और देखो। x रेज टू पावर x अंडर रूट x और x रेज टू पावर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा, जैसा पहले भी हुआ था, ये बन जाएगा x रेज टू पावर 3 बाय 2 रेज टू पावर x, तो पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x रेज टू पावर 3 बाय 2 x और x रेज टू पावर x रूट x, दोनों को इक्वल लिख दिया, बेस बेस सेम है तो पावर पावर भी सेम होगी। दोनों इक्वल दिए हैं ना, अगर दो नंबर इक्वल हैं, दोनों का बेस भी सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी तो इक्वल होंगे। देन एक्सपोनेंट विल बी सेम, तो x रूट x विल बी इक्वल टू 3 बाय 2 x, x से x को कैंसिल कर देंगे हम, अंडर रूट x इक्वल टू 3 बाय 2, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे x इक्वल टू 9 बाय 4, दैट इज आंसर। थोड़ा डिफरेंट ही करवाया, नोट कर लो सारा। फोर्थ क्वेश्चन, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ x इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस e रेज टू पावर माइनस y e रेज टू पावर y e रेज टू पावर माइनस y, x की वैल्यू हमें गिवन है
ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन में ई रेज टू पावर वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई एक्स इक्वल टू दिस। और हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई ई रेज टू पावर वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई दिस अपॉन दिस और दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, एक बार x प्लस वन और अपॉन में x माइनस वन, तो सिमिलरली राइट साइड में भी करेंगे दिस प्लस दिस दिस माइनस दिस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, ये हो गया हमारा x प्लस वन, नीचे वाला वन है तो प्लस e रेज टू पावर y e रेज टू पावर माइनस वाई तो हमने क्या किया दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस और यहां पर भी लिखा दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस अपॉन में। ऐसा करने से क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे e की पावर माइनस वाई प्लस में आ रहा और यहां माइनस में आ रहा, कट जाएगा ये, ठीक है। ये बच जाएगा e की पावर y प्लस e की पावर y और अपॉन में जब साइन चेंज करेंगे तो ये वाला e की पावर y से कट जाएगा, अपॉन में आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर माइनस y माइनस e रेज टू पावर माइनस y, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये आंसर आ जाएगा। दोनों माइनस में आ रहे हैं, दोनों का माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, दोबारा से लिख रहे हैं e रेज टू पावर y प्लस e रेज टू पावर y अपॉन में e रेज टू पावर माइनस y माइनस y, ऊपर हो जाएगा टू टाइम्स e रेज टू पावर y और अपॉन में माइनस, शुरू में लगा दिया e की पावर माइनस y e की पावर माइनस y टू टाइम्स e की पावर माइनस y, टू और टू कैंसल, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टीज भी मिटा रहा हूं सारी, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा इधर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख देते हैं माइनस e रेज टू पावर y अपॉन में e रेज टू पावर माइनस y x प्लस वन x माइनस वन, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर y प्लस y, ठीक है, माइनस भी उस तरफ ले गए, यहां पर हो गया e रेज टू पावर टू वाई, माइनस उधर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो हम साइन किसी के भी चेंज कर सकते हैं ऊपर या नीचे, देखो ऊपर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे अगर हम, ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस वन और वन माइनस एक्स, साइन चेंज कर दिए और ये बन गया
ई रेज टू पावर टू वाई, लेकिन हमें तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो इसे पावर से हटाना पड़ेगा। तो देखो पावर से हटाने के लिए हमने एक चैप्टर सीखा हुआ है लॉगरिथम, नहीं सीखा तो पहले उसको सीख लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो पावर है वो चुप करके नीचे आ जाती है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाया तो बन गया टू वाई लॉग ई, और ये x प्लस वन या वन प्लस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नीचे वन माइनस एक्स आ रहा है, तो इसमें भी वन पहले लिख दिया हमने। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसके आगे भी लॉग लगाया, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, ठीक है। और जो हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड लगाया क्योंकि यहाँ पर वो ई आ रहा है, तो इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस ई ले लेते हैं हम, तो बेस ई लेने से क्या होगा कि लॉग ई विद द बेस ई वन बन जाएगा, हट जाएगा, यानी टू वाई इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आके हाफ हो जाएगा log 1 प्लस एक्स वन माइनस एक्स, दैट्स ऑल। ध्यान से देख लो, देखो शायद आपको पता नहीं चला हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, तो इसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक फॉर्मूला सीखा है जिसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अगेन अगर ये समझ नहीं आया तो आप पहले रेशियो प्रोपोर्शन के सारे प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले देख लो, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करने के बाद ये बना, अच्छा, और ऐसा करने से e की पावर y में आ गई थी, तो पावर को नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, लॉग लगाते ही y नीचे आ गया और y की वैल्यू मिल गई, और हमें लॉग e भी हटाना था, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस e ले लिया हमने, जिससे कि लॉग e विद द बेस e वन बन जाए और लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा इंडाइसिस, जिसमें मैंने आपको इंडाइसिस की सारी प्रॉपर्टीज बताई और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व भी करके दिखाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।